भिंड में 873 दिव्यांगजनों को 79.25 लाख के सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। भिंड में सामाजिक अधिकारिता शिविर एडिप योजना के अंतर्गत करीब 80 लाख की लागत से 1873 उपकरणों को 873 दिव्यांगजनों में निराला रंग बिहार मेला ग्राउंड भिंड में वितरित किए गए। इसमें विधायक संजीव सिंह मेवाराम और सांसद संध्या राय ने सर्वप्रथम कन्या पूजन किया। भिंड का नाम एडिट योजना में सांसद संध्या राय की अहम भूमिका रही है। भिन्न विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल के स्थान पर चार्जिंग वाला रिक्शा देने की बात कही, जिस पर सभी ने अपनी सहमति दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, सांसद संध्या राय, भिंड विधायक संजीव सिंह, गोहद विधायक मेवाराम जाटव के अलावा भिंड कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत सीओ, सीएमएचओ, आलमिको अधिकारी अरुण के साथ आलाधिकारी निशक्त जन मौजूद थे। जो साइकिल जो हम देते हैं, साइकिल की जगह हम लोग ट्राई साइकिल देते हैं, और उसमें ऐसा कोई नहीं है 80% उसमें, जैसे 80% से ज्यादा कोई विकलांग है या दिव्यांग है उसको हम देंगे। भाई पैर एक कटा हो या दो कटा हो, भाई चलने में तो परेशानी उसको हम है ही, तो हम ये कैसे तय कर लेंगे एक कटा वाला साइकिल चला लेगा, दो कटा वाला नहीं चला पाएगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है, मैं सभी से, आप लोगों से जो मंच पर बैठे हुए, एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक अलग से सर्वे कराएं और जिनको साइकिल दी है सबको आप मोटराइज साइकिल दें। और इसमें जो हमारे सामाजिक न्याय विभाग द्वारा एक एडिप योजना चलती है जो पूरे देश में लागू है, और इससे कुछ जिले छूटे हुए थे जिसमें हमारे भिंड और दतिया जिले भी छूटे थे। जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो मैंने तत्काल दोनों जिलों को पहले जुड़वाने का काम किया, और जुड़वाने के तुरंत 6 या 7 महीने बाद पहली बार कुछ महीनों पूर्व एक इसी तरह का कार्यक्रम आयोजन कर उसमें भी हजारों दिव्यांगजनों को किसी को मोटरसाइकिल, वो बैटरी वाली ट्राइसिकल और हाथ से चलाने वाली साइकिल, तमाम तरह के उपकरण, चाहे कानों के हों चाहे पैरों में लगाने वाले उपकरण, ऐसे तमाम हजारों की संख्या में तब भी भिंड के लोगों को लाभ मिला। और आज भी इस कार्यक्रम में मुझे लग रहा है 1800 कुछ दिव्यांगजनों को उपकरण दिए गए हैं, जिसमें सभी तरह के उपकरण हैं, जिसमें हमारे माननीय मंत्री जी भी उपस्थित रहे, सभी विधायकगण उपस्थित रहे।